मैं भी तैयार हो चुका हूँ। यहाँ तक तो आ चुके हैं आगे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आज आपको बताया, आज गणेश चतुर्थी है और अभी हम हाल ही में जयपुर रहने लगे हैं पढ़ाई के सिलसिले में पूरी फैमिली। तो वहाँ पे तो जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ तो जैसे गली मोहल्लों में गणपतियाँ रखते थे, तो वहाँ अलग लेवल का मज़ा आता था। जितनी छोटी सिटी होती है वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी जयपुर में यहाँ पे दो तीन मंदिर हैं, जैसे एक फेमस है मोती डूंगरी का मंदिर है, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर। तो अभी हम वहाँ जाके देखेंगे वहाँ क्या चीज़ है, क्या मैंने सुना है वहाँ की मान्यता बहुत है, तो वहाँ जाके देखेंगे। तो अभी तो मैं नहा दो, अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ नहाने में, फिर मैं आपसे नहा धो के मिलता हूँ। और मेरे साथ आज चलेंगे मम्मी और दीदी चलेंगी, और दीदी कि मम्मी क्या बोलती है, ठीक है, और मम्मी का जो रिएक्शन होगा वो हम देखो। मम्मा आज कहाँ जा रहे हैं अपन, कहाँ जा रहे हैं अपन, कहाँ जा रहे हैं, अरे बताओ ना। मम्मी अभी खाना बनाने में कॉन्सेंट्रेट कर रही है। कौन सा मंदिर ले जा रहे हैं आज अपन को, कौन सा मंदिर है, नाम पूरा बताओ। मोती डूंगरी मोती डूंगरी का मंदिर है। तो मैं अभी आपसे नहा धो के मिलता हूँ, तब तक मम्मी भी हमारे लिए खाना बना रही है, तो चलिए। सो यस गाइस, अभी तैयार हो चुके हैं पूरा अच्छे से, मैं भी तैयार हो चुका हूँ, मम्मी भी हो चुकी है और बहन भी हो चुकी है, पापा तो चल नहीं रहे। तो फिर अब वहाँ जाता हूँ, टेम्पो हमने करवा लिया है, ऊबर बुक आ रहा है टेम्पो, और वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मंदिर है और कितनी भीड़ होती है। तो चलो बाद में आएंगे पापा और दीदी, ठीक है, हमको वहाँ पर लंबी लाइन लगती तो हमको पहले लाइन में लगाने के लिए भेज रहे हैं, उसके बाद वो बाद में आएंगे। गाइज हम आए तो पूरा मंदिर तक जाने के लिए थे, पर वहाँ पे आगे रास्ता बंद है, तो उन्होंने कहा कि आपको आधे रास्ते पे उतरना पड़ेगा, तो हम यहाँ उतर गए। अब यहाँ से 500 मीटर दूर है मंदिर, तो 500 मीटर दूर पैदल चलना पड़ेगा। चलो तो यहाँ से जो आपने पीछे पंडाल देखा है, राजस्थान में हर जगह रखा जाता है, किसी त्योहार या किसी रैली के टाइम में लोगों को पानी और जूस बांटने के लिए। कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे, बहुत अच्छा, धूप बहुत हो रही है, 3:30। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा, मंदिरों में लोगों ने चप्पलें उतारी होंगी, यहाँ तक उड़ उड़ के आ गई है चप्पल। मंदिर में भीड़ है, नहीं है? है ना भीड़, कितनी भीड़ है अब देखते हैं कितनी भीड़ है। लोगों की चप्पलें यहाँ तक उड़ उड़ के आ गई है, अपन बैग निकाल देंगे। गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़, यहाँ रोडों से ही लोगों ने लाइन लगाना चालू कर दिया। देखो पूरी वहाँ आगे तक जितना देख सकते हो, पूरी भीड़, लोगों की भीड़ है पूरी, यहाँ से डंडे, लोगों की पूरी भीड़ वहाँ तक, उधर देख पा रहे हो, पूरा उधर तक लोगों ने भीड़ लगा रखी, यानी कब तक नंबर आएगा। यहाँ तक तो आ चुके हैं आगे, अब देखते हैं आगे और कितना है। वो सामने जो आपको दिख रहा है सामने वाइट से बिल्डिंग, वो है शायद से मंदिर, मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ और ये ऊपर आ रहा हूँ, कोई फोर्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है बादलों के बीच में। आगे बहुत लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है, इधर देखो, इधर इधर स्टार्टिंग से दिख जाएगी आपको कितनी लंबी लाइन है। अंदर पहुँच चुके हैं लाइन में, अब बस मंदिर में आने वाले हैं, मंदिर के दर्शन होने वाले हैं। बस पहुँचने वाले हैं मंदिर के अंदर, बहुत पास में मंदिर के, मंदिर के बाहर का एरिया है ना, अपन को वीआईपी वाले दर्शन देने, इसलिए अंदर का ही था वो।
ये है बाहर का रास्ता पूरा भाई। कितनी भीड़ है भाई, हमारे तो वो भी का दर्शन। मजा आ गया ना, हो गए अच्छे दर्शन। अब लौट रहे हैं वापस से घर। अब आपको घर चल के अरे यार गाइस धूप इतनी लग रही है और इन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया है। यानी क्या ले रहे हैं इनको मम्मी और क्या ले रहे हो? लेना तो कुछ है नहीं आपको खड़े हो गए। यानी क्या क्या लेते रहते हैं? घर से निकल चुके हैं, मतलब घर घर के लिए निकल चुके हैं और घर पहुँच चुके हैं और आप तक सिनेमा के लिए तो यस गाइस हम घर आ चुके हैं और मैंने बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने कुर्ता उतार दिया और वहाँ बहुत अच्छे दर्शन हुए। पता है वो जो लाइन लगी हुई थी ना, वो लाइन बहुत लंबी लाइन थी, मतलब जैसे आपको जो दिख रही थी ना उससे भी कहीं दूर तक लंबी लाइन थी। कैमरे में शायद कैप्चर नहीं हुआ होगा। फिर हमने एक और जो VIP लाइन थी उसमें पास ही स्टे थे, हमने उस लाइन को तोड़ के उसमें चले गए। हमारा पास भी नहीं था तो भी हम उस लाइन में घुस के और पूरे दर्शन कर गए और अंडरग्राउंड हमको भेजा और ऊपर से पूरे अच्छे दर्शन आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो यस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये जयपुर का वन ऑफ द फेमस मंदिर है, मोती डोंगरी टेम्पल। आप सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। बहुत अच्छा मंदिर था और दर्शन भी बहुत अच्छे लगे हैं। तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। और थैंक यू।